अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों आज हम LBH-781 जो कि काई मशीन के नाइफ बार की सेटिंग करना सीखेंगे। ये मशीन का चल नाइफ बार चलते हुए हार्ड हो गया, फंस गया है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो इसकी सेटिंग करना सीखेंगे कि हम इसका फॉल्ट ट्रेसेंगे पहले कि ये अप डाउन क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हार्ड हो गया है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो पहले हम इसका फॉल्ट ट्रेसिंग है कि ये किस वजह से ऊपर नीचे नहीं हो रहा, और फिर हम उसका हल निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पाए। ये दोनों स्क्रू हैं इसके, ये इसका नाइफ बार का स्टड होता है यहाँ पे, इसको आप गाइड भी बोल सकते हैं। ये अभी भी हार्ड है, ये अब लूज हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हार्ड हुआ क्यों था। उसके लिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि दोबारा ये मसला ना आए। इसका हैंग स्क्रू हम लूज खोल लेते हैं। ये नाइफ बार का हैंग स्क्रू हमने बाहर निकाल लिया। इसको बाहर निकालने के लिए ये फ्रेम भी हमको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से ये तीन की हल्की से खोल लेते हैं। इसकी ये वाली पिन है थोड़ी सी बाहर निकाल लेंगे। ये कचरा अटका हुआ है, सॉरी ये इसका नमदा है, इसके सेंटर में होगा, आयल हल्का हल्का सा लगे। इसको बाहर निकालने के लिए ये वाली गाइड भी इसकी खोलनी पड़ेगी। ज़रा एहतियात के साथ ये नमदा टूट ना जाए।
ये नाइफ बार हमने बाहर निकाल लिया है। ये इधर से तो बिल्कुल ओके है, कोई ख़राश वगैरह नहीं है जिसकी वजह से ये फंस रहा हो। इसलिए मैंने इसको कम खोला है कि चेक करें इसमें कोई नट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं अटकी जिसकी वजह से ये हार्ड हो गया हो। तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन नीचे इधर कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ है अंदर से। तो दोबारा अब हम इसको फिट कर देते हैं। ये हम इसका हैंग स्क्रू लगा लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। इधर से इसको चेक नट कर देते हैं। या इधर से स्क्रू ड्राइवर को पकड़ो यार, स्क्रू ड्राइवर को पकड़ो इधर से। ये मैंने अच्छे से हैंग स्क्रू को टाइट कर दिया। अब इसका जो निडल बार फ्रेम है ये लगाते हैं। इसका ये नमदा ऊपर से निकल गया है, तो अब इसको हम बाद में लगा लेंगे, पहले नीचे से फिट कर लें। ये जो इसका स्टार्ट है ये वाला, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये इधर स्पिन में लगेगा, ठीक है, स्पिन में। ये ब्लॉक जो है ये वाला देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा ना, ये ब्लॉक लगेगा इधर स्पिन में। ये ज़िगज़ैग की पिन होती है, ये इसको ज़िगज़ैग करवाती है। पहले हम इसको लगा लेते हैं। अब हम इसकी ये वाली लिंक को सीधा करेंगे और ये वाला स्टड इस लिंक में जाएगा।
नहायत ही आसानी के साथ ही चला जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी नहीं करनी है आपने, आराम से। इस नमदे की सेटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सिर्फ अगर ये भी करने बैठ गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जस्ट आपको फ्रेम और नाइफ बार की सेटिंग बता रहा हूँ। ये इसका जो नमदा है इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे। ये नमदों का जो खेल है ना, ये थोड़ा निराला होता है, इसको एहतियात के साथ, ये टूट ना जाए। ये नमदा हम बाद में लगा लेंगे, पहले हम इसको सेट कर लें। ये कट वाला हिस्सा इस पर हल्की आएगी, ये कट वाला इस पर नहीं, ये जो कट है ऐसे ऊपर की तरफ आपने रखना है। यहाँ पे लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये हल्की वाला स्क्रू हम टाइट कर लेते हैं। अब ये कटर का ये जो गाइड है ये लगाते हैं, नाइफ बार की गाइड। अब ये चेक कर लेते हैं, इसकी ये जो प्ले है ये वाली, ये प्ले नहीं होनी चाहिए इसमें। ये दोनों सुक्रू हल्के हल्के टाइट करके मैं चेक कर लेता हूँ। अभी ये फंस नहीं रहा, अभी ठीक है। अभी ऊपर वाली गाइड भी लगा देता हूँ। Thank you.
गाइड की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये दोनों स्क्रू अच्छे से मैंने टाइट कर दिए। जब ये स्क्रू टाइट करते हैं तो फिर ये अटक जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मसला है। तो यहाँ पे नहीं, नीचे वाले में मसला, इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ। जब ये नीचे वाली गाइड टाइट करता हूँ तो फिर ये अटक जाता है, टाइट हो जाता है। तो अब इसका हाल हम निकालते हैं। अब इसका एक ही हल है कि इसके अंदर हल्की सी पैकिंग रख दी जाए ताकि ये थोड़ा लूज़ हो जाए। तो हम अब इसकी पैकिंग बनाते हैं। यहाँ एक और भी हल है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डायमंड फैल रेती के साथ थोड़ा सा साफ कर दें, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो हमें पैकिंग रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं कि हम इसे डायमंड फैल के साथ थोड़ा प्लेन कर देते हैं, थोड़ा इसका साइज़ डाउन कर देते हैं। ऐसे हम इसको पकड़ लेते हैं। यार वो ग्रिप ग्रिप लास पकड़ाना।
अब हम इसको लगा कर देखते हैं, साइज ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस नाइफ बार में ऐसे प्ले नहीं होनी चाहिए, ऐसे ये वाली प्ले, आपका जो कटर ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए वरना वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, नीडल पेड़ के सेंटर में नहीं जाएगा। अब ये दोनों स्क्रू हम अच्छे से टाइट करके चेक कराते हैं। ये अभी भी हार्ड है तो इसका बेस्ट हाल ये है कि इसमें पैकिंग रख दी जाए। ये हमने इसकी पैकिंग बनाई है, ये इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। ये स्क्रू दोनों लूज कर लेते हैं, आपने ये वाली प्ले जो है ना ये लाजमी चेक करनी है, ये वाली हल्के हल्के स्क्रू टाइट करें और साथ में चेक भी करते जाएं हार्ड ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं स्क्रू मैंने टाइट कर दिए, अब ये फ्री है। अब ये जो नाइफ बार है ये हार्ड नहीं हो रहा है, फंसरिंग रहा कहीं पे भी। ये जो इजाफी पैकिंग है ये हम इसको उतार देते हैं, ये काट दी मैंने। ये जो नीडाबा फ्रेम की गाइड है ये भी लगा देते हैं ताकि फ्रेम की प्ले जो है वो भी ख़त्म हो जाए। ये लग क्यों नहीं रहा है, देखना पड़ेगा, ये इसी का है।
ये दोनों सुकरू हल्के हल्के लूज रखने हैं इसकी सेटिंग के लिए। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी और ज़्यादा लूज भी ना, जस्ट थोड़ी सी प्ले माइनर सी होनी चाहिए। माइनर सी अगर ज़्यादा टाइट होगी तो आपकी जिग जैग प्रॉपर नहीं होगी। तो ये दोनों सुकरू हम टाइट कर देते हैं। ये तो दोस्तों हमारा फ्रेम और नाइफ बार दोनों की सेटिंग हो चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।